तो पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, और कलर इतना बढ़िया आया है इसमें, मैं बता नहीं सकती। और खाने में इतना टेस्टी था ये, कभी कभी मन करता है स्पाइसी खाने का। तो ये रेसिपी आप जो है ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तरह पनीर जो है ना कभी कभी स्पाइसी ही अच्छा लगता है। कैसे हो आप सभी, रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। आज हम पनीर की रेसिपी आप सभी से शेयर करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और ये पनीर की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और स्पाइसी बनाएंगे, जो आपको कभी कभी आपको स्पाइसी खाने का मन करता है, तो आप ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो किस तरीके से बनाऊँगी आप सभी से शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर की रेसिपी। पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, ये मैं पीतल की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं ज़्यादातर सब्जियाँ जो है ना पीतल के ही बर्तन में बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच बड़े 2 चम्मच हैं तेल डाल दिया, और इसको हम कढ़ाई में चारों तरफ तेल को फैला लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पनीर को करना है फ्राई, जब तक पनीर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और कभी कभी मन करता है कि हम पनीर जो है ना फ्राई करके खाएं, और कभी कभी क्यों मुझे तो बहुत पसंद आता है, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है हम पनीर को फ्राई नहीं करते। शाही पनीर होता है उसको हम फ्राई नहीं कर सकते पनीर को। तो यहाँ पर मैं जो है ना पनीर बना रही हूँ तरी वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी, काफ़ी अच्छे से कलर आ जाए इसमें। तो इसको अलट पलट करके हमें पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेना है, ताकि कलर बहुत अच्छा आएगा। और पनीर जो है ना भूनने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा जो पनीर है वो काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से तीनों चारों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाला है। यहाँ पर जो तेल है वो थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके से आपने पनीर को फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी डालूंगी मैं इसमें हींग। बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। 2 चम्मच डालेगा मैंने इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हमने हल्का सा अदरक लहसुन को भून लेना है। अब अदरक लहसुन में थोड़ा सा हल्का सा खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 प्याज जिसको हमने मिक्सी में पीस रखा था। इसको हमने प्याज को काट के नहीं लिया, क्योंकि मैं पतली ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो प्याज को मैंने पीसा है। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी तरीके से और स्पाइसी बना रही हूँ, तो प्याज में जो है ना मीठापन ना रहे, इसलिए हमने प्याज अदरक लहसुन को काफ़ी अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब यहाँ पर जो हमारी प्याज है काफ़ी अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर जो है ना ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी स्पाइसेस सूखे, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर नमक स्वाद के अनुसार, और 1.5 चम्मच मैंने लिया लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, और ये लिया है मैंने जीरा पाउडर 1 चम्मच। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रही हूँ, क्योंकि आज मन था हमारा स्पाइसी खाने का पनीर, तो यहाँ पर मैंने पनीर स्पाइसी बनाया है। तो मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें डाला है हमने 2 टमाटर की प्यूरी, जो हमने मिक्सी में इसको पीस के तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर हमने टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है, जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। जितना मसाले को पकाएंगे उतना स्वाद बढ़ेगा सब्ज़ी में। तो यहाँ पर हम इसको काफ़ी अच्छे से, और गैस को रखेंगे हम स्लो, मसाले को पकाएंगे बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मसाला है काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पर हम पनीर डाल देते हैं जो हमने गोल्डन ब्राउन करके रख रखा था। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ में ही डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम, इसको हम 30 से 40 सेकंड तक इस तरीके से मसाले में भून लेते हैं पनीर को। तो
हमने इसको भून लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं पानी। पानी हम यहाँ पर ग्रेवी वाला बना रहे हैं, पतली ग्रेवी वाला। तो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल करेंगे 1.5 गिलास। तो जितना पनीर है आप उतने हिसाब से पानी डालिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से पका लूँगी। मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही खुले ही पकाऊँगी। तो यहाँ पर जो पनीर को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, मसाले हमने अच्छे से पका लिए हैं। तो लगभग मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। पनीर हमारा पक चुका है बहुत ही बढ़िया से और कलर इतना बढ़िया आया है इसका। तो यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, जो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो लो जी, हमारा पनीर बनके हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पनीर की रेसिपी पसंद आए। पसंद आए तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। तो लो जी, हमारा पनीर बनके हो चुका है तैयार। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में। और आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा।